हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट फिलोसफी विद रितेश सिंह का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम सेट थ्री एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स आपका लगभग सारा क्वेश्चन आप हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले वीडियो से मैच किया। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स कौन सा का कहाँ क्या कुछ है। सो तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके आपको आने वाले समय में सारे UGPG के सारे सेमेस्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो पहला देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में अधिकतम एक वाक्य में देना है। आर्थिक विकास क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास क्या है तो इसके बारे में भी था, आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, उद्यमिता क्या है, व्हाट इज इंटरप्रेन्योरशिप, तो उद्यमिता के बारे में बता दिए थे उस वीडियो में। विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए, तो ये भी बताया जा चुका है। ऋण पूंजी और इक्विटी पूंजी, ये दोनों बताया जा चुका है। समता पूंजी, इसी को इक्विटी कहते हैं, तो इसको भी हम बता दिए थे कल परसों वाले वीडियो में। ठीक है, दूसरा नंबर भी, एक अच्छे उद्यमी की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, इसको भी हम बता ही दिए थे। एक छोटे व्यवसाय शुरू करने की योजना की व्याख्या करें, तो ये भी हम बताए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए दीर्घ उत्तरी में निम्नलिखित प्रश्नों के चार प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे चौथा में है, विपणन मिश्रण को परिभाषित कीजिए, छोटे व्यवसायों के लिए इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, तो ये भी हम बता दिए थे स्टूडेंट्स। ठीक है, एकल स्वामित्व और साझेदारी के बारे में भी बता चुके थे, अंतर स्पष्ट करना था इसमें। पेटेंट को परिभाषित करना है, इसके महत्व को बताना, ये भी हम बता ही दिए थे। ठीक है, कल या परसों वाले वीडियो में। और बौद्धिक संपदा के बारे में भी, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार और संबंधित काम की व्याख्या कीजिए, तो इसके बारे में बताए थे। ठीक है, सहकारिता को परिभाषित कीजिए, सहकारिता को परिभाषित कीजिए, गुण दोषों की व्याख्या कीजिए, इसके बारे में भी बताए थे। फिर है उद्यमी पर्यावरण के महत्व की व्याख्या कीजिए, उद्यमी के पर्यावरण के महत्व के बारे में, और अर्थव्यवस्था में लघु उद्यम के योगदान की व्याख्या कीजिए। सारा कुछ हम बता चुके थे स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप नहीं देखेंगे तो जाकर YouTube में जाकर सर्च कीजिएगा, आप चैनल का नाम कंसेप्चुअल स्टडी विद रितेश, और जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आपको देखना है IBS का। ठीक है, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, और आप सारा वीडियो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ताकि आपका जो सेट फोर है, जिसका एग्ज़ाम होगा, जिनका एग्ज़ाम होगा, उनका बढ़िया से जाएगा। ठीक है, और भी स्टूडेंट्स, अगर आप लोग चैनल नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। देख, जय हिंद, वंदे मातरम।